हेलो भाई, मैं हूँ आशीष शौकीन। आज फिर से हम आ गए हैं अपने फेमस ट्रैक के ऊपर। तो यार, आज जो हम रेस करने वाले हैं ना, वो होने वाली है डीजल वर्सेस पेट्रोल। कई लोग बोलते हैं कि यार पेट्रोल का टॉर्क वगैरह कम लगता है, तो इसमें 100 सीसी आपको फालतू मिलेगा। ये 1500 सीसी की है, ये आपकी 1.6 है जो पहले आती थी, जबकि आज की डेट में 1.5 आती है। WRV का सबको पता ही है भाई, ऑलमोस्ट इसके RPM वगैरह खींचते नहीं है, गेयर लगाने के बाद 250 ऊपर जाता नहीं है, इसकी रेडलाइन 4 पे है। एक बार क्रेटा की और चेक करते हैं, कुछ ऐसी इसकी चाबी आती है भाई। ये आपका बेस मॉडल है, तो उस हिसाब से देखते हैं एक बार बैठ के। RPM मीटर वगैरह इसका खींच के दिखाता हूँ मैं आपको, कहाँ तक की पहुँच पाता है वो। RPM मीटर देख के आपको पता लग पा रहा होगा, ये जो है आपकी पेट्रोल की गाड़ी है। 7000 6.5-7 तक आपका रेड लाइन है। एक बार रेस देके देखते हैं भाई, बढ़िया एकदम खिंच रहा है। 5-6 तक कोई दिक्कत नहीं है, पर मैक्सिमम 6 तक जा रहा है, इससे ऊपर नहीं जा रहा। तो अब एक बार गियर लगा के भी देख लेते हैं कि वो WRV वाली दिक्कत इसमें भी आती है नहीं आती। नहीं आती भाई, बहुत बढ़िया। तो अब करते हैं स्टार्ट दोनों गाड़ियों के साथ। इनके ओनर से मिलवा देता हूँ मैं एक बार, इनके ओनर से मिलते हैं भाई। ये है हमारे अंकित भाई, इनका भी एक YouTube चैनल है, सब्सक्राइब करना भाई को, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो भाई आज पहले राउंड में आप कौन सी चलाने वाले हो? मैं क्रेटा। क्रेटा, तो भाई WRV में आज मैंने एक सोचा है कि मैं नहीं चलाऊंगा, आज भाई चलाएगा WRV। हेलो, तो भाई आपने इंट्रो दे दो यार एक। मेरा नाम रमन है। हाँ, और मैं इनका छोटा भाई हूँ। अच्छा, छावला गाँव से ही भाई? हाँ जी, छावला से ही हूँ। अच्छा, और हम भाई हैं। आज देखो भाई को भाई हराएगा। तो ठीक है भाई, ये दोनों भाई हैं, तो फिर मैं हाँ, तो फिर बड़ा भाई ये है, छोटा भाई है, मैं अपनी WRV रमन भाई को दे रहा हूँ। अब देखते हैं कि दोनों में से आगे कौन जीत पाता है। चलो मिलते हैं। ठीक भाई, ये जो क्रेटा आप सामने देख रहे हो, इसके अंदर मिलता है 122 BHP 151 NM का टॉर्क। और अपनी ये जो होंडा WRV है, इसके अंदर सबको पता ही है 100 BHP और 200 NM का टॉर्क। तो अभी स्टार्ट करते हैं। सीट बेल्ट वगैरह हम सब ने लगा ली है भाई, ये देखो अपनी सीट बेल्ट वगैरह, ये सेफ्टी रीज़न, अपना पहले काम पूरा करके चलो, उसके बाद अभी करते हैं स्टार्ट। तीसरे ऑरन पे स्टार्ट करेंगे भाई, तीसरे ऑरन पे स्टार्ट कर दियो। RPM तो खींच भाई, दूसरे गियर, तीसरा गियर, थोड़ी सी पीछे रह गई भाई, ज़्यादा फर्क नहीं है, मतलब आप ये देख लो कि बहुत ही कम फर्क है। भाई ऑलमोस्ट मैं मानूँ तो WRV ही विनर है इसमें। तो भाई ने एक बार RPM ढंग से खींचा नहीं था। अगली बारी में एक काम करता हूँ, मैं खींच के दिखाता हूँ, अगले राउंड में मैं चलाता हूँ। लेकिन मेरे को जो दिखता है ना, मतलब WRV जीत सकती है आराम से। आराम से जीतेगी भाई, मैंने कह दिया भाई। फर्स्ट राउंड की जो विनर, मतलब ऑलमोस्ट लगभग बराबर थे, लेकिन अगर इंच वाइज भी देखोगे तो WRV आगे थे। तो इस बार क्या करेंगे, मैं चलाऊंगा WRV, अंकित भाई अपनी फिर से क्रेटा को चलाएंगे। तो भाई अंकित भाई देंगे हॉर्न इस बार। यार पेट्रोल को हरा पाना आसान होता है डीजल गाड़ी के लिए। पेट्रोल तो यार ये देखो गैप, आप कितना गैप आ रखा है। आराम से जीत जाती है भाई डीजल गाड़ी तो। फाइनली भाई तीसरा राउंड भी कर लेते हैं, देख लेते हैं कि क्या निकल के आता है। मैं ही हॉर्न स्टार्ट करूंगा। यार ये जो अटक गया था गियर, फिर भी मतलब इसको पीछे छोड़ देगी गाड़ी, ये देखो आप। गियर अटकने के बावजूद भी तो यार, मतलब कुछ भी कर लो, चाहे जीतने WRV है। 3-3 राउंड हम लोग कर चुके हैं, कोई फायदा नहीं है चौथा राउंड करने का। तो भाई अब आगे निकल के क्या फायदा भाई, पहले आप हार चुके हो अंकित। तो अभी 2-3 राउंड है, तीनों राउंड में अपनी WRV ही विनर है। ये भाई पेट्रोल में बेकार गाड़ी थी ये, 1.6 होने के बाद भी हार जाती है, आप बताओ। निकल गई, आगे निकल गई नहीं।
ये देखो भाई कलाकारी करते हुए अंकित रिवर्स गियर में ही फुल टॉप स्पीड में वहां से ले आया 40-50 की स्पीड पे। फाइनली भाई इन दोनों गाड़ियों की जो ड्रैग रेस हुई थी अभी आपके सामने, उसका रिजल्ट सिंपल सा निकल के आया है कि WRV विनर है और ये आपके पीछे रह जाती है। फाइनली इतने दिनों बाद, इतनी गाड़ियों से रेस करने के बाद WRV को जीतने का मौका मिला है। लेकिन कई लोग अभी कमेंट में बोलेंगे कि भाई 1.6 डीजल लेके आओ तब पता लगेगा। तो यार ठीक है, उससे पता है मेरे को हार जाएगी ये, लेकिन जो अभी मैटर है सामने गाड़ी जो है उसी से रेस हुई थी तो उसी के बारे में आपको बताना था। वीडियो देखने के लिए भाई आपका दिल से थैंक यू।